नमस्कार। राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, जो 9 फरवरी को खत्म हो रहा था। 4 दिन पहले ही ट्रस्ट बन गया। तीन बातें हुई हैं। 1, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है। 2, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई है। 3, उस 67.77 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को सौंप दिया गया है जो 1993 में अधिकृत की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। ट्रस्ट के गठन का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे लगे। लेकिन विपक्ष को यह पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है, ये समझ से परे है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही ट्रस्ट का गठन हुआ है और किसी चुनावी रैली में नहीं बल्कि संसद में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया है, और जब पूरा विपक्ष भव्य राम मंदिर की बात करता रहा है, तो फिर सियासत क्यों हो रही है? होना तो ये चाहिए था कि सदन में मौजूद सभी राम भक्त मेजें थपथपाते। राम मंदिर का फैसला आने पर पूरे देश ने इसका स्वागत किया था, आपको याद होगा। लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके पीछे दिल्ली विधानसभा चुनाव को माना जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, अनडिसाइडेड वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया है। कुछ तो सवाल उठा रहे हैं कि जब अपने मंत्रालय से जुड़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं गृह मंत्री अमित शाह ने की हैं, तो ये घोषणा प्रधानमंत्री ने क्यों की? अमित शाह ने ही अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाने की घोषणा भी की थी, ये याद दिलाया जा रहा। उधर सत्ता पक्ष का तर्क है कि राम मंदिर ट्रस्ट का गठन सिर्फ गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं है, ये 500 साल से चले आ रहे विवाद की समाप्ति का प्रतीक है जो देश की 130 करोड़ की आबादी को प्रभावित करता है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने खुद ही घोषणा करके सही किया है। सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि 9 फरवरी तक ट्रस्ट का गठन होना था। अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखना पड़ता तो डेडलाइन निकल जाती, क्योंकि दिल्ली में वोट 8 फरवरी को डाले जाने हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रस्ट के गठन की घोषणा से बीजेपी का बेड़ा पार हो जाएगा? दिल्ली में बीजेपी मुद्दों की तलाश में भटकती रही है जिससे ध्रुवीकरण करवाया जा सके। शाहीन बाग उसे मिला था, जिसे हर तरीके से भुनाने की कोशिश वो कर रही है। अब राम मंदिर ट्रस्ट से फायदा हो सकेगा ये कह पाना मुश्किल है। शाहीन बाग ही उतना लाभ नहीं दे रहा जितने की उम्मीद की जा रही थी, तो ट्रस्ट का गठन क्या गुल खिलाएगा? झारखंड चुनाव में अमित शाह ने कई बार 3 महीने में भव्य राम मंदिर के गठन की बात चुनावी रैलियों में की थी, लेकिन वहां बीजेपी चुनाव हार गई। कहा जा रहा है कि 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण कर बीजेपी वहां चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। वैसे तब तक देश के आर्थिक हालात कैसे रहते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी राम मंदिर निर्माण को लेकर सारा माहौल बीजेपी के पक्ष में। अब देखना है कि राम मंदिर न्यास और विश्व हिंदू परिषद के प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल को ही मंजूर किया जाता है या कोई नया मॉडल सामने आता है। मेरी मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट सोमपुरा जी से अहमदाबाद में मुलाकात हुई थी। उनका कहना था कि उनके मॉडल के हिसाब से पत्थर तराशी का काम चल रहा है, पहली मंजिल के लिए पत्थर तराशी का काम पूरा भी हो चुका है। ऐसे में मंदिर के जल निर्माण में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे बीजेपी को तय करना है कि मंदिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बने या 2024 के आम चुनाव से पहले। ABP News आपको रखे आगे।